सा ना इसे हाथ से, हाँ ऐसे ऐसे गिरा दो। और यकीन मानो आप सब नहीं समझ सकते मुझे कितना अफसोस हो रहा है, उठाओ मत भाई इसको। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके, उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आपको पता था कुछ दिन पहले मैंने चूजे लिए थे, वो व्लॉग भी आप लोगों ने देखा था, तो अब चूजे का हाल मैं दिखाता हूँ कितने बड़े हो गए हैं। तो अभी माशाल्लाह आप चिक्स को देख सकते हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं। मुझे लगता है ये पल जाएंगे मुझसे, क्योंकि मुझे पहले लग नहीं रहा था कि ये मुझसे पलेंगे, लेकिन ना पल गए यार, काफ़ी सारे बड़े बड़े हो गए हैं। अच्छा ये वाला जो है ना, इसको पता नहीं दूसरे जो है ना मार रहे हैं, इसको ना फुल जख्मी किया हुआ था। कल तो इसको इतना जख्मी किया था मैंने निकाल के बाहर रख दिया, मुझे लगा ये मर जाएगा, लेकिन ये उठ के भागने लग गया फिर से। अब माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, अब मरता भी कोई नहीं, मर भी कोई नहीं रहा। तो अभी इनका पानी वानी चेंज करते हैं और थोड़ी सी फीड देते हैं इनको। जल्दी से ऊपर आओ, जल्दी से ऊपर आओ। क्या हुआ, क्या है? जो बीमार था ना उसे पता नहीं क्या हो गया, लगता है डेड हो गया। हुई आपको याद है ना कि एक पैरट था हमारा जो जख्मी हुआ पड़ा था, तो वो पता नहीं उसे क्या हो गया। अब जाके ऊपर जाके देखता हूँ मैं, जल्दी चलो यार। ओ यार ये तो डेड हो गया यार, अरे यार इसे क्या हो गया यार, ये तो मर गया है। ओए कीड़ियां भी ऊपर चिपट गई हैं इसे ना, पता नहीं कब का हुआ, हमने देखे नहीं उसके बाद। तुमने अभी आके देखा है? ये अभी मैं ऊपर आया हूँ, मैंने देखा ये डेड हुआ पड़ा है। ओ यार ये कल ना जख्मी था, पता नहीं इसे हुआ क्या है यार, समझ ही नहीं आई मुझे। निकालो ना इसे से यार, क्या हुआ इसे? ये शायद ना यहाँ से जख्मी था, तो पता नहीं यार इसे क्या हो गया। ओए होए 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 माल भाई, तुम बताओ इसे क्या हुआ होगा यहाँ पे। पता नहीं यार कैसे हो गया, मैंने तो अभी भी ऊपर आया हूँ, मैंने देखा ये डेड हुआ पड़ा है मुझे। कल ना हमने देखा था ना, आपको दिखाया था कि जख्मी हुआ पड़ा था यहाँ पे गर्दन पे, इसे पता नहीं क्या हुआ था, ये डेड हो गया मेरा। समझ नहीं आ रही अब क्या करूँ यार इसको, हाय मेरा तो चक्कर ही आ गया एकदम से यार दिमाग को। अच्छा पहला था, दो दिन पहले न्यू लेके आए थे अभी। न्यू लेके आया था मैं, पता नहीं इसे क्या हो गया। चलो उठाओ इसे, अब इसे आप दफना देते हैं कहीं पे, दफना छोड़ते हैं, दफना देते हैं। हमाद भाई कह रहे हैं कि इसे हम दफना देते हैं, तो चलो ऐसे ही करते हैं, लेके आओ इसे नीचे चलते हैं। हाँ नीचे ले चलते हैं, ये बंद कर देता हूँ ऊपर, बाकी मैं अपने बच्चों को देख लूँ एक दफ़ा, ये ठीक है, ये माशाल्लाह ठीक है, लेकिन ये वाला इसके साथ ही लेके आए थे, पता नहीं इसको क्या हो गया। ये वाला भी यार कमजोर है बहुत, पता नहीं इसे क्या है, इसे खाना खिलाता हूँ तो उल्टी कर रहा है यार, ये वाला पता नहीं इसे क्या है, इसकी टमी भी बिल्कुल खाली है, बाकी माशाल्लाह ठीक है हमारे। यार सब लोग दुआ करो कि हमारा ये पैरेट जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हाँ यार सब लोग दुआ करो यार, ये भी जल्दी लेके आए थे, देखें इसको अंदर छोड़ते हैं, पहले इसका कोई हल निकाल लें, फिर ना इन सबको आगे फीड खिलाते हैं। आ जाओ माद भाई नीचे चलो। तो अभी ना हम यहीं पे, मैं सोच रहा हूँ कि इसको दफना दें यहीं पे क्यारी के अंदर। हमाद भाई आप इसकी कब्र बनाओ, मैं इसके ना जरा कफन दफन का इंतजाम करता हूँ, ठीक है? यहीं पे बना दो, कुछ नहीं होता यहाँ पे, थोड़ी सी आगे करके बनाओ ना, हाँ यहाँ पे बना दो इसकी अच्छी सी कब्र बनाओ आप, तो मैं इसके लिए ना कफन दफन का इंतजाम। ये भाई जान इसका सारा हमने सामान तैयार कर लिया है, ये इसके कफन के लिए, और ये इसके ऊपर फूल वगैरह कब्र पे रखने के लिए, और ये भी, और ये फूल वगैरह, और ये इसके हार पहनाने के लिए हर चीज़ रख लिया, और ये उसकी ना कब्र के ऊपर लगाएंगे हम। तो अभी चलते हैं इसको दफनाने, इसका कफन वगैरह इसको डाल रहे हैं, तब तक हम बाहर जाके इसकी कब्र पूरी निकालना स्टार्ट हो गए हैं। हमाद भाई यार मेरे को इतना अफसोस हो रहा है ना, हद से ज़्यादा बता नहीं सकते। अच्छा भला था हम लेके आए थे, इतने अच्छे अच्छे थे, लेकिन एकदम से पता नहीं क्या हो गया यार, उसका जख्म था यार उसके ना, इस जगह पे ना, इस जगह पे जख्म था, वो नहीं मुझे समझ आई ये जख्म क्यों हुआ होगा यार, शायद हमने कमरे से देखा ही होगा, मुझे लगता है किसी दूसरे तोते वगैरह या कोई चीज वगैरह उसे लग गई है। यहाँ तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ तो वो जो था ना पैरट था, उसने ऊपर नाखून जो दूसरे थे ना, उन्होंने ऊपर से नाखून ऐसे पकड़ लिया होगा और वही पे जख्म कर दिया, या तो बाहर से कोई बिल्ली वगैरह आई है, एक काले रंग की बिल्ली हमारे घर पे आती है, मुझे लगता है शायद हाँ उसने पंजा मार दिया होगा पिंजरे के अंदर से ही। तो अभी मुझे नहीं पता इसका हुआ क्या है, लेकिन बहरहाल चले अब कब्र बनाते हैं इसकी। दुआ करें जो दूसरा हमारा पैरेट बीमार है वो जल्द से जल्द सेहत याब हो जाए। हाँ आप सब दुआ करो, तो ये जल्दी जल्दी बना दो, निकल गई। हाँ बस निकाल दो इसे, अच्छी तरह से बनाओ प्यार, इसी कब्र बनाना है इसके लिए। हाँ इतना अच्छा हमारा तोता था, और था बहुत महंगा यार जो दूसरा जो बीमार है, मुझे
लग रहा है कि उसके ना मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ेगी। नहीं, उसको मैं मेडिसिन खिला रहा हूँ, जो दूसरे वाला बीमार है ना उसको मैं पेनाडोल भी दे रहा हूँ और अमोक्सिल जो है ना उसकी फीड में डाल के, और उसको ग्राइबेटर भी लेके आया हूँ मैं, वो भी दिखाता हूँ ना आप सब लोग। दुआ करेंगे जल्द से जल्द ठीक हो जाए वो। हाँ, वो जल्दी ठीक हो जाए बस। उसकी अब हम उसको लेके आते हैं और इसके अंदर दफना देते हैं। ये कब्र बन गई है इसकी, चलो अब ले। ये देखें जी, फुल कफन शफन इसको पहना दिया हमने, ये मुँह दिखाई ऐसे करवा दें आप सबको यार आखिरी दफ़ा बेचारे की। ये भाई जान इसका हार भी है तो वो भी इसके गले में हम डाल देते हैं। ये जी इसके गले में हार भी हमने डाल दिया अब तो, अब इसको दफनाने लगे। चलो अब इसका मुंह भी ऊपर से ढांप दो सारा। तो ये जी इसका फेस भी हमने ढांप दिया, तो अब इसको हम लेके चलते हैं, पकड़ो माँ दूसरी साइड से। चलो अब इसको ले जा के हम दफना देते हैं। आ जाओ। यार यकीन मानो आप सब नहीं समझ सकते मुझे कितना अफसोस हो रहा है। उठाओ मत भाई इसको। तो ये पैरट कवर में चला गया, अभी ऊपर मिट्टी डालेंगे। मत भाई मिट्टी डालो यार। अभी तो हमने इसको हैंड फीड करवाना था, इसे बड़ा गन्ना होना था। इसने अभी पता है कितना खूबसूरत लगता है ये येलो। क्या था दुनिया में। हाँ सही बात है, जल्दी चला गया है। इसी कब्र बनाओ। बना रहा हूँ बना। कब्र शबर तो अब बन गई है मिट्टू की, ठीक है। उसके ऊपर अब ये फूल हैं थोड़े से गिरा देते हैं, अच्छी तरह से ऐसे ऐसे रख देते हैं। मेरे ख्याल में इस पे पानी पहले फेंकना पड़ेगा फिर बनेगी। लेके आता हूं, ठीक है। हाँ पानी लेके आओ इसे हाथ से। हाँ ऐसे ऐसे गिरा दो। चलो थोड़े से ये रख दो और ऊपर से वहां से भी पत्तियां थोड़ी सी ले आओ ना। हाँ यहाँ से तोड़ लो थोड़ी सी पत्तियां। हाँ ये भी यहाँ पे रख दो, इसके ऊपर। हाँ इसके ऊपर रख दो। चलो वेरी गुड। और ये एक अहम चीज़। हाँ ये चीज़ भी लगाना भूल गया, येलो रिंग निक आज डेड हुआ था। डेट 17 है, सुबह व्लॉग तो सुबह आया लेकिन ये आज हम लगा देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सही लग गया, यहाँ पे लगा लो। तो भाई जान इसी के साथ करते हैं हम आज का व्लॉग एंड। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, लाजमी करियो, ठीक है। और परसों को इसकी कुल खानी है तो आप सब लोगों को दावत है, सब लोग आना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कुल खाने की दावत दे दी है मैंने, दे दी। और लास्ट लोग लाजमी दुआ करनी, जो हमारा पेट बीमार है ना, अल्लाह ताला उसे जल्द से जल्द सेहतयाब करे। हाँ उसके लिए लाजमी सब में दुआ करनी है। ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।